देखिए, आज की क्लास में हम मेनली किन चीजों पे जा रहे होंगे? मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी, मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये हम देख रहे होंगे। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल्स हमने पढ़ लिए, डाया, पैरा, फेरो, वो एक अलग चीजें हैं। अब कुछ टर्म्स उनसे रिलेटेड हम बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मान लो ये कोई भी एक मटेरियल है, इट मे बी डाया, इट मे बी पैरा, इट मे बी फेरो। सपोज कीजिए आपको फील्ड लाइन दिखाई गई कि भाई ऐसी फील्ड लाइंस बनी यू, आइडेंटिफाई द मटेरियल। ये मटेरियल कैसा है? इसने कुछ फील्ड अंदर कम करवा लिया, जैसा फील्ड होना चाहिए था उससे भी दूर दूर फील्ड लाइंस करवा दी इसने, तो ये मटेरियल कैसा है? डायमैग्नेट है, पैरामैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है? आप बताओ, अंदाजा लगाओ कुछ भी। देखो, कौन से मटेरियल में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है? कौन से मटेरियल में? डायमैग्नेट। तो आपने फील्ड ऐसे लगाया लेकिन उसके अंदर फील्ड उल्टा बना होगा, तो यानी कि तभी ये फील्ड कम हुआ होगा। तो ये कौन सा मटेरियल है आपका? डाया मैग्नेटिक। पहचान गए हो? अगर लाइनें कुछ बाहर वाली भी अंदर आ जाती, कुछ बाहर वाली भी अंदर आ जाती, तो ये मटेरियल कौन सा हो जाता? पैरामैग्नेटिक। और बहुत दूर दूर की लाइन भी अंदर ले आता, बहुत दूर दूर से भी लाइन अंदर आ जाती, तो ये मटेरियल कौन सा हो जाता? फेरोमैग्नेटिक। तो मतलब फील्ड लाइन से आप मटेरियल पहचानना, ठीक है, फील्ड लाइन से आप मटेरियल पहचानना सीख गए हो कि कैसे है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया डायमैग्नेटिक का। दूसरा देखो, पैरा का किस तरह की लाइन बनती, मैंने बता तो दिया ये, बस पैरा की बना रहा हूं, फेरो की नहीं। पैरा में क्या होता है कि जो लाइन बाहर से जानी थी वो भी इसके अंदर से हो जाएगी, इस तरह से। जो लाइन बाहर से निकलनी थी वो भी इसके अंदर से हो जाएगी, मतलब क्राउडिंग बढ़ गई है, पास पास हो गए, क्राउडिंग बढ़ गई है, पास पास हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अंदर फील्ड स्ट्रोंग हो गया, तो जो जिस डायरेक्शन में आपने लगा रखा था उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो गया, जिससे नेट फील्ड थोड़ा ज्यादा है, तो ये आपका मेटेरियल हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। अब देखिए, टर्मिनोलॉजी पे हम चलते हैं कि मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी क्या है। आपने बाहर से कोई फील्ड लगाया, वहां एक टर्म डिफाइन होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और ये बी नहीं, हमने पीछे हिस्ट्रीसिस के टाइम इसका सिंबल दिया था, हिस्ट्रीसिस के टाइम टीचर स्टूडेंट वाली बात की हुई, ये टीचर की तरह काम करता है, दिस इज एच। क्लियर क्लियर हो गया? ये क्या है? ये एच है। अब देखो, इसकी यूनिट भी मैंने आपको बताई थी अलग से, बी की तो टेस्ला होती है, एच की बताओ क्या बताई थी? हाँ, एम्पियर पर मीटर। ये एच जो है ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, ये जो एच होता है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, ये फील्ड की प्रॉपर्टी है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेटीरियल, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। अब बाहर मान लो फील्ड बी, बी नॉट बोले, बाहर फील्ड बी नॉट है और अंदर फील्ड हो गया बी, तो एक बार इस डायग्राम को देख के बताएं, बी ज्यादा है कि बी नॉट ज्यादा है? बी ज्यादा है, क्योंकि ये अंदर फील्ड लाइन स्ट्रोंग हो गई है, तो बी नॉट इज लेस देन बी। अब देखो, परमिएबिलिटी एक टर्म है, परमिएबिलिटी एक टर्म है, परमिएबिलिटी एक टर्म, भाई जिसकी तरफ से डिस्टरबेंस हो यार वो अपना माइक ऑफ रखे, सुनिए। परमिएबिलिटी एक टर्म है, मान लो वैक्यूम की परमिएबिलिटी म्यू नॉट है और इस मीडियम की परमिएबिलिटी म्यू है, म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, हमने वर्ड यूज किया है ना परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, परमिटिविटी वर्ड यूज होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट के साथ, नॉट मतलब वैक्यूम, नॉट नहीं लगा रखा मतलब कोई और मीडियम,
तो दिस इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, इस मटेरियल की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एंड दिस इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ, बोलो किसकी है, क्या लिखें, वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम या फ्री स्पेस, ये है। अच्छा एच कैसे डिफाइन होता है, एच मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन आप बाहर से भी डिफाइन कर सकते हो अंदर से भी। सुनो कैसे, एच की जो डेफिनेशन है, अगर बाहर से देखते हैं तो एच होगा बी नॉट बाई म्यू नॉट, और अगर इसके अंदर जाके देखते हैं तो एच होगा बी अपॉन म्यू। लेकिन ये रेशियो जो है वो मटेरियल पे, देखो बी कितना है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, म्यू कितना है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, परंतु बी बाई म्यू मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस रेशियो को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी नॉट बाई म्यू नॉट या फिर बी बाई म्यू। आप बताओ पहली टर्म समझ में आ गई है या नहीं, हाँ जी बताइए, फर्स्ट टर्म क्लियर है सभी को, ठीक है। ये आज टर्मिनोलॉजी लेके चल रहे हैं, याद रखना है ये चीज। वैसे मैं ये रिलेशन आपको पहले भी बता चुका था, लेकिन इतना एग्जैक्टली मटेरियल को दिखा के नहीं, पहले भी हम आपको बता चुके थे कि भाई किस तरह से ये रिलेशन यूज करना होता है। पहली टर्म हमारी आपको समझ में आ गई होगी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैं फिर से पूछता हूं, मटेरियल अगर मैं पैरा की बजाय फेरो रख दूं, मटेरियल अगर मैं पैरा की बजाय फेरो रख दूं, तो आप बताएं क्या एच चेंज होगा या नहीं होगा, मटेरियल अगर मैं पैरा की बजाय फेरो रख दूं तो बी भी चेंज हो जाएगा म्यू भी चेंज हो जाएगा, आप ये बताएं एच चेंज होगा या नहीं होगा, एच बोलो जवाब दो, इसको ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिए, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे आप मटेरियल कोई सा भी ले आओ, एच तो अप्लाइड फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये क्या मतलब है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में दो बच्चे हैं, एक पैरामैग्नेटिक है एक फेरोमैग्नेटिक है, मतलब पैरामैग्नेटिक थोड़ा कम समझ रहा है चीज को, फेरोमैग्नेटिक थोड़ा ज्यादा समझ रहा है चीज को, परंतु मैं एक ही साथ दोनों को पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी जो कैपेबिलिटी है वो तो दोनों के लिए सेम है, एच जो है मेरी तरफ से दोनों के लिए सेम है। अब कौन कितना समझ पाया, कौन कितना मैग्नेटाइज हो पाया, ये उस मटेरियल पे डिपेंड करता है कि बी किसमें ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये होता है, ये मटेरियल से इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट टर्म आपको क्लियर होगी होगी, सेकंड टर्म यहां पे आती है मैग्नेटाइजेशन। पहली टर्म ये मैंने बताया मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब मैं इसको हटाता हूं, सेकेंड टर्म देखिए, जो आपकी दूसरी टर्म है दैट इज मैग्नेटाइजेशन, भाई कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ, लिखते रहा करो, बार बार वीडियो देखने में टाइम मत लगाया करो, हम इतनी आराम आराम से चलते हैं कि आराम से लिखा जा सकता है काम। सेकेंड टर्म है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का सिंबल तो कुछ भी आप डाल दो, इसके सिंबल को आई भी बोल दिया जाता है, इसके सिंबल को एम भी बोल दिया जाता है, अब एम तो डाइपोल मोमेंट को बोलते थे, तो किसी को भी ये सिंबल को ऐसे हार्ड एंड फास्ट है नहीं। मैग्नेटाइजेशन ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये जो था ये इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल था एच, लेकिन मैग्नेटाइजेशन कि भाई उसके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग पोल बन पाए। देखो फील्ड का क्या काम है, फील्ड का एक ही काम है, फील्ड का क्या काम है कि इसके अंदर पोल्स बना पाना, इसके अंदर पोल्स बना पाना, नॉर्थ पोल बना पाना, साउथ पोल बना पाना, ये काम था फील्ड का, इसको मैग्नेटाइज करवा पाना। तो मटेरियल का कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, मतलब उसके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग पोल बने, आप एक बात का जवाब देंगे, मैंने फील्ड आगे लगा रखा है, फील्ड आगे लगा रखा है, ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तीन बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, फील्ड आगे लगा रखा है, अगर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होता, फील्ड आगे लगाया तो किस साइड नॉर्थ पोल बना होता, किस साइड साउथ पोल, लेफ्ट राइट, देखो हाँ बिल्कुल सही है, अगर फील्ड उधर है तो डाया में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन होता है, तो इधर तो नॉर्थ बना होता है डाया में और इधर साउथ बना होता, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस साइड आया होता। अगर ये पैरामैग्नेटिक है जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, बताओ किस साइड नॉर्थ बनेगा किस साइड साउथ बनेगा इस फील्ड की वजह से, यहां साउथ यहां नॉर्थ, और इसका मतलब इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट आया वो इस तरफ आया, क्योंकि डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा है कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होते हैं। अब कितना डाइपोल मोमेंट आया वो दिखाता है इसका मैग्नेटाइजेशन,
मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड मटेरियल में कितना हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड मतलब कि भाई एक नॉर्थ साउथ बना तो उससे पीएम कितना आया। हम डाइपोल मोमेंट को क्या सिंबल देते थे, पीएम देते थे कभी स्टार्टिंग में, डाइपोल मोमेंट एम भी दे सकते हैं पीएम भी, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द मेटेरियल, इसे बोलते हैं कि मेटेरियल में मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ। ये बच्चे की क्षमता है समझने की, मतलब ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये जो चीज है ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, डिपेंड करेगा। अगर मैं डाया की बजाय या पैरा की बजाय फेरो रख दूं तो बताओ मैग्नेटाइजेशन चेंज होगा कि नहीं, मैंने मटेरियल चेंज किया, बिल्कुल चेंज होगा। अब आप इसकी यूनिट बताएं, इसकी यूनिट बताएं क्या होगी, इसकी यूनिट इस डेफिनेशन को देखते हुए इसकी यूनिट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया, डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं हम, याद है ना करंट इनटू एरिया, मीना ये फॉर्मूले पढ़े थे, मीना टाइप फॉर्मूले, हाँ सही है। देखो डाइपोल मोमेंट की तो होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या होगी मीटर क्यूब, तो इसकी भी यूनिट आ गई एम्पियर पर मीटर। तो देखो सवालों में ऑप्शन बन के आ सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन की यूनिट सेम होती है, बताओ सही है गलत है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन की यूनिट सेम होती है, बताइए सही है या गलत है, बोलिए बोलो भाई। इसकी यूनिट आई एम्पियर पर मीटर, एक्स की यूनिट क्या बताई थी आपको एम्पियर पर मीटर, तो यानी कि दोनों की यूनिट सेम है। अब यहां पे एक तीसरी टर्म डिफाइन होगी, देखो आप ध्यान से सुनो, मैं आपको दो टर्म सिखा चुका हूं, पहली मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो फील्ड की प्रॉपर्टी है, दूसरी मैग्नेटाइजेशन जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब तीसरी टर्म आती है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, सिंबल इसका ये होता है, क्या बोलते हैं इस सिंबल को, क्या नाम क्या होता है इस सिंबल का, ईटा, यार ईटा तो ये होता है, ईटा कहां से आ गया, ईटा तो ये होता है, और बताओ या कभी नहीं देखा इस सिंबल का नाम होता है ये, क्या बोलोगे इसे, हाँ का ही बोल लो आप, छी छी क्या कर रहे हो सुबह सुबह छी छी, सुनो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी सिंबल इसका का ही बोल देते हैं हम, ये इसका सिंबल होता है। ये क्या टर्म है, ये एक यूनिटलेस टर्म है, क्या होती है सुनो भाई, बच्चा कितना समझ पाएगा ये कहीं ना कहीं टीचर पे डिपेंड करता है, एक अच्छा टीचर है वो अच्छा समझाएगा, एक थोड़ा ऐसे नॉर्मल लेवल का टीचर वो हो सकता है इतना अच्छा ना समझा पाए। तो इसका मतलब एम जो है एम वो एक्स पे डिपेंड करेगा, एम जो होता है एम किसको बोल रहे हैं हम, एम किसको बोल रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी टर्म को एम बोल रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन। और ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, एच है फील्ड की इंटेंसिटी, और यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट उसे काई बोलते हैं, यानी कि मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया काई का एम बाई एच। तो यूनिटलेस हुआ कि नहीं, ऊपर भी यूनिट एम्पियर पर मीटर नीचे भी यूनिट एम्पियर पर मीटर, तो इस वजह से ये पूरा आपका यूनिटलेस हो गया, ठीक है। अब जो इसकी मोर करेक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम बाई एच, ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम बाई एच, कब तो प्लस लेना होगा ये टर्म और कब माइनस लेना होगा। अगर सेम डायरेक्शन है एम और एच की, मतलब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हुआ है तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है तो नेगेटिव, तो बताओ किस में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, डाया में। तो डायमैग्नेटिक की तो ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, ये भी सीधा सवाल आ सकता है कहीं ऑप्शन बनके,
कि नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी किन की होती है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो किन की होती है नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी? डायमैग्नेटिक। और पॉजिटिव पैरा एंड फेरो, उन दोनों की ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव होगी और डाया की नेगेटिव होगी। क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं यहां तक? ठीक है, अब देखो एक तीसरी टर्म, ना तीसरी तो होगी, चौथी टर्म। भाई हम टर्म्स पे ही चल रहे हैं, मटेरियल के रिलेटेड टर्म्स। पहला पढ़ा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दूसरा मैग्नेटाइजेशन, तीसरा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, चौथी है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम ये ऐसी टर्म है, जैसे आपने एप्सिलॉन आर पढ़ा था, एप्सिलॉन आर जिसको डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते थे। तो ये चौथी टर्म इस तरह की होती है। फोर्थ जो हमारी टर्म है दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, म्यू आर। ये कोई मीडियम है, इसकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू है और बाहर वैक्यूम की म्यू नॉट है। तो जो इसका म्यू आर होगा सिंपली उसी तरह डिफाइन होता है, म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। और ये भी यूनिटलेस है क्योंकि सेम चीजों का आप डिवीजन कर रहे हैं, तो इस वजह से ये भी यूनिटलेस है। मतलब फोर्थ टर्म तो सिमिलर है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। क्या समझ में आ गई है कि नहीं फोर्थ टर्म? ठीक है, और अब यहां से इन चार टर्म्स में, आखिरी दो टर्म्स में आपको एक रिलेशन याद रखना होगा कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ये रिलेशन आपको याद रखना है, कैसे आएगा वो सब ट्वेल्थ में देखेंगे। अभी आप याद रखें कि जो म्यू आर होता है दैट इज 1 प्लस काई, किसी भी मेटेरियल के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 प्लस काई होती है। अब देखो सवाल आ जाए कि डायमैग्नेटिक की रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? डायमैग्नेटिक की रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है? बताओ क्यों लेस देन 1? क्योंकि ये नेगेटिव है। हाँ, तो और पैरा और फेरो की दोनों की क्या होगी? मोर देन 1, पॉजिटिव हो जाएगी। इसके लिए नेगेटिव, देखो डाया के लिए 1 से थोड़ी कम होती है, पैरा के लिए 1 से थोड़ी ज्यादा होती है और फेरो के लिए 1 से बहुत ज्यादा होती है। ये तीन बातें, डाया के लिए म्यू आर 1 से थोड़ा कम, पैरा के लिए 1 से थोड़ा ज्यादा और फेरो के लिए 1 से काफी ज्यादा। अभी आप ये बताओ कि आपको ये टर्म समझ में आ गई है कि नहीं, क्या क्या है? ठीक है, देखिए हमारा वो मैसेज आ चुका, दोबारा चलो मैं रिपीट ही कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। बस ये आखिरी के 7-8 मिनट बचे, क्योंकि 2-3 मिनट पहले वो मैसेज भी आ चुका था 40 मिनट वाला कि 10 मिनट हो रहे। अब देखो हमने आज क्या सीखा है, मैं इन टर्म्स को रिपीट कर रहा हूं। आप मान लीजिए कि एक मटेरियल आपने लिया, उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन होगा कितना नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, परंतु बाहर से फील्ड कैसा लगाया उस पर भी डिपेंड करेगा। तो पहली टर्म हमने पढ़ी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताओ फील्ड की प्रॉपर्टी है या मटेरियल की? फील्ड की। यूनिट क्या होती है उसकी? सिंबल एच होता है। यूनिट क्या होती है उसकी? एम्पियर पर मीटर। आप बाहर से देख के भी लिख सकते हैं, मटेरियल को देख के भी लिख सकते हैं। बाहर से देखेंगे तो एच होगा बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, और मटेरियल को देख के लिखेंगे तो एच क्या होगा? बी अपॉन म्यू। ठीक है, म्यू है उस मटेरियल की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अच्छा, फिर दूसरी टर्म हमने ली कि मटेरियल में मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसको सिंबल आई या एम कुछ भी दे देते हैं, और इसका मतलब था कि जो पोल्स बने फील्ड लगाने से, जो पोल्स आए, परमानेंट पोल्स नहीं है ये मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक मटेरियल है, फील्ड लगाने से जो पोल्स आए उन पोल्स की वजह से कितना डाइपोल मोमेंट आया, दैट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। और इसकी यूनिट भी आ गई थी एम्पियर पर मीटर। पहली दोनों टर्म्स की एम्पियर पर मीटर है। तीसरी टर्म है उनका रेशियो, ये जो एम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, और वहां जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है वो काई होता है। तो काई की वैल्यू आ गई एम बाई एच, ज्यादा एग्जैक्ट लिखे तो प्लस माइनस एम बाई एच, डाया है तो माइनस एम बाई एच और पैरा या फेरो है तो प्लस एम बाई एच। चौथी टर्म हमने पढ़ी रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब है कि
म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू म्यू तो क्या चीज है, उस मेटीरियल की एब्सोल्यूट परमिबिलिटी, और म्यू नॉट है वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिबिलिटी। इस रेशियो को म्यू आर बोल देते हैं। और आखिर में एक रिलेशन पढ़ा म्यू आर और काई में, क्या रिलेशन होता है बताओ तुम, म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस काई, एंड वहां से ये पता लगा, वहां से ये पता लगा कि अगर डायमैग्नेटिक है तो म्यू आर लेस देन वन होगा, पैरा या फेरो है तो म्यू आर ग्रेटर देन वन होगा। अब देखो ये डाया और पैरा फेरो, इनमें एक बड़ा डिफरेंस प्रॉपर्टी वाइज ये आता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागने की कोशिश करेगा, और जो पैरा या फेरो है वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ आने की कोशिश करेंगे। कारण मैंने आपको शुरू में बताया, जब एक मैग्नेट को डाया के पास रखोगे तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ ही आ जाता है और वो रिपेल कर देगा, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड से दूर भगा रहा है, और अगर आप पैरा के पास रखोगे तो नॉर्थ के पास साउथ आएगा, जो पहली क्लास थी मैग्नेटिक मटेरियल की उसमें बताया था, और वो उसकी तरफ आना चाहेगा। तो मतलब ये एक प्रॉपर्टी आप याद रखना, अच्छे से याद रखना, कि जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो पोल से दूर भागते हैं, पोल से दूर भागेंगे मतलब फील्ड से दूर भागेंगे, जो पैरा और फेरो हैं, पैरा और फेरो हैं वो पोल्स की तरफ आएंगे। चलिए एक एक, एक आखिरी बात बताता हूं इसमें, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है तीनों मटेरियल्स की ससेप्टेबिलिटी पे। सुनिए टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सबसे पहली बात जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स उनकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उनकी मैग्नेटाइजेशन उनकी ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। तो आप बताओ अगर मैं डाया के लिए ग्राफ बनाऊं टी के साथ काई का, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताएं, कैसा बनेगा बोलो, टाइम पूरा होने वाला है जल्दी जल्दी, कैसा बनेगा, पैरेलल चलेगा, ऊपर बनाऊंगी नीचे बनाऊंगी, और बताओ नीचे, क्योंकि ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। पैरामैग्नेटिक में ये क्यूरी ने बताई थी बात, क्यूरीज लॉ भी से बोल देते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में ये पाया गया है कि जो ससेप्टेबिलिटी है, दैट इज, ये मैं एम जो लिख रहा हूं ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के लिए लिखा है, आप हटा भी सकते हो, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका मैग्नेटाइजेशन कम होगा, उसकी ससेप्टेबिलिटी कम होगी। आप बताओ इसमें ग्राफ, पहली बात ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर, और ये इस तरह का आएगा, हाँ ये यूं यूं आएगा, मतलब मैं ऊपर नीचे का मतलब लिखा कि नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव में रखना है लेकिन डिक्रीज करते जाना है। फेरोमैग्नेटिक में थोड़ा अलग काम है, पहली बात हमें ग्राफिकली उन पर जाने की जरूरत नहीं, अब एक बात याद रखें फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाते गए तो एक टेम्परेचर आ जाएगा जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, टीसी से डिनोट कर देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर भी बोल देते हैं, कि भाई आप इतना गर्म कर दो कि वो फेरो बिकम्स पैरा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पोल्स उसके वीक होते चलेंगे, मैग्नेटाइजेशन कम होता चलेगा, तो एक स्टेज आ जाएगी कि जहां पे वो जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं रहेगा, अब वो किस तरह बिहेव करने लग जाएगा, पैरामैग्नेटिक की तरह। और पैरामैग्नेटिक में पहुंचने के बाद अगर वो पैरामैग्नेटिक में पहुंच गया है तो बताओ उसका टेम्परेचर टीसी से ज्यादा है या टीसी से कम है, बताओ, फेरोमैग्नेटिक पैरा बन गया तो उसका टेम्परेचर टीसी से ज्यादा है या टीसी से कम है, बताइए भाई, कब बनेगा वो पैरा, जब वो टीसी को क्रॉस कर जाए, टीसी से ज्यादा टेम्परेचर पे चला गया तो क्रॉस कर जाएगा, और पैरा में पहुंचने के बाद, पैरा वाले रीजन में पहुंचने के बाद उसकी ससेप्टेबिलिटी फिर इस रूल पे आ जाती है, लेकिन अब वो टी नहीं बल्कि क्या लेना होता है, टी माइनस टी। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में तीन बातें आपको याद रखनी है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, तीनों ही रिपीट कर रहा हूं सुने, डायमैग्नेटिक में टेम्परेचर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है ससेप्टेबिलिटी, तो ये ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन बनाया।
पैरामैग्नेटिक में क्यूरी ने मेजर किया था एक ही ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ग्राफ इस तरह का आएगा, ठीक है, हाइपरबोलिक टाइप होता है इनवर्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब दूसरा तीसरा फैरो, फैरो में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन एक स्टेज आती है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, वहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी चेंज होकर पैरा की तरह हो जाएगी, और पैरा होने के बाद फिर वो क्यूरी लॉ की तरह फॉलो करने लगेगा। लेकिन अब जो ससेप्टेबिलिटी है टी की बजाय टी माइनस टीसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब है इस आखिरी पॉइंट का वो समझो आप। मान लो यहां मैं पैरा की बात करूं, टेम्परेचर था 400 केल्विन, तो थोड़ा नॉर्मल लेते हैं, टेम्परेचर था 200 केल्विन और अब मैंने कर दिया 400 केल्विन। मान लो ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू 2 थी, तो यहां 2 नहीं मैं 8 ले रहा हूं, तो यहां बताओ कितनी हो जाएगी, यहां बताओ कितनी होगी। अगर 200 केल्विन पे इस मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी 8 थी, 400 केल्विन पे कितनी होगी, 4, आधी हो जाएगी, 400 केल्विन पे आधी हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। यहां यहां देखो, अब उधर देखो आप, मान लो ट्रांजिशन टेम्परेचर है 500 केल्विन, मैं उस साइड की बात कर रहा हूं, ट्रांजिशन टेम्परेचर है 500 केल्विन, ट्रांजिशन टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो अब ये बदल चुका है फेरो में। जब ये 600 केल्विन पे था तो इसकी ससेप्टेबिलिटी 8 थी, तो बताओ 700 पे कितनी होगी, 600 पे इसकी ससेप्टेबिलिटी 8 थी तो 700 पे कितनी होगी। आप ये मीटिंग बीच में ऑफ हो चुकी है, मैं इसको कवर कर रहा हूं, यहां आपका वीडियो लेक्चर अभी डाल देंगे, तो उससे आप ये देख लेना, ढंग से सीखो। अब ये मैं फेरो वाले केस में बता रहा हूं कि 500 केल्विन से 600 केल्विन पे आप गए, 100 केल्विन ही एक्स्ट्रा है, 100 केल्विन केवल डिफरेंस लेना है, 100 केल्विन एक्स्ट्रा होने पे ससेप्टेबिलिटी 8 है, तो 200 केल्विन एक्स्ट्रा होने पे ससेप्टेबिलिटी आधी हो जाएगी, क्योंकि 100 का डबल है 200, 100 का डबल है 200। आपको 600 और 700 नहीं देखने, यहां तो आप एग्जैक्ट देख रहे थे टी, यहां एग्जैक्ट नहीं देखना, टीसी से ऊपर कितना गया वो देखना है, 600 और 700 नहीं, डिफरेंस देखना है 100 एंड 200, तो डिफरेंस डबल हुआ तो ससेप्टेबिलिटी आधी हो जाएगी, तो वहां 8 थी तो यहां 4 हो जाएगी। शायद आपको ये वाली क्लास समझ में आ गई होगी। अभी शाम को एक क्लास फ्लोटेशन पे लेंगे, और उसके बाद शाम 7 बजे आपका टेस्ट होगा। फ्लोटेशन वाली क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगा जो भी है, और टेस्ट में तीनों पार्ट्स पे मिला के 13 क्वेश्चन आ रहे होंगे, कुछ अर्थ मैग्नेटिज्म पे, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल जो यहां तक हुआ है, और कुछ आपके फ्लोटेशन पे। ये जो पिछली क्लास है, अभी जो चल रही है क्लास, अगर जूम पे पूरी नहीं हो पाई आपकी, तो आप ये एंड पार्ट भी उसका देख लें कि क्या बताए। थैंक यू।